आमतौर पर प्लेन रनवे से टेक ऑफ करते हैं, लेकिन यही टेक ऑफ समुद्र या नदी से हो तो वो अनुभव सबसे अधिक रोमांचक होता है। यह सिप्लेन पानी पर तैर रहा है और वहीं से टेक ऑफ करेगा। उडुपी के युवाओं ने इस अनोखे माइक्रोलाइट सिप्लेन का आविष्कार किया है, जो पानी पर तैरता है और आकाश में उड़ सकता है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए उडुपी के युवाओं ने सिप्लेन विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत के पहले सिप्लेन का उद्घाटन किया था। ये आयातित सिप्लेन नर्मदा नदी पर सफलतापूर्वक तैरता है और आसमान में उड़ता भी है। उस सिप्लेन की तर्ज पर उडुपी के हेजामादी में शांभवी नदी में सफलतापूर्वक तैरता और उड़ता हुआ माइक्रोलाइट सिप्लेन विकसित किया गया है। हेजामादी के नादिकुद्रु गांव के निवासी पुष्पराज ने इस सूक्ष्म प्रकाश वाले सिप्लेन का आविष्कार किया है। मैंने एयर मॉडलिंग एनसीसी प्रशिक्षक के रूप में काम किया है। मैंने रिमोट नियंत्रित यूआईवी हवाई जहाज बनाया है। मेरा सपना असली हवाई जहाज बनाने का था, लेकिन मुझे लैंड प्लेन बनाने के लिए अनुमति नहीं मिली, इसलिए हमने सी प्लेन बनाने का फैसला किया है। एयर मॉडलिंग और एनसीसी प्रशिक्षक पुष्पराज को इस माइक्रोलाइट सिप्लेन को विकसित करने में द्रुति नामक एक एनजीओ की मदद से 15 साल लगे हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने इस विमान को विकसित करने के लिए पुष्पराज के साथ हाथ मिलाया है। सिप्लेन जो पानी पर तैरता है और वहां खुद ही उड़ान भरता है, यह विमान केवल एक पायलट को समायोजित कर सकता है। हालांकि पुष्पराज की इच्छा 7 सीटर सिप्लेन विकसित करने की है। अगर हमने 4, 6 या 10 सीटर सीप्लेन तैयार किया तो हम इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक नाव के रूप में भी काम करता है और कभी भी इसे पानी पर उतारा जा सकता है, इसलिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है। हम इसका उपयोग परिवहन, रक्षा, प्रशिक्षण उद्देश्य या पर्यटन उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए पुष्पराज ने सिप्लेन का आविष्कार किया है, जो 190 किलोग्राम तक का वजन वहन कर सकता है। पुष्पराज ने विमान ग्रेड एल्यूमिनियम, नायलॉन की विशेष रस्सी, नायलॉन कपड़े और 200 सीसी इटालियन सिमोनिनी इंजन का उपयोग करके इस सिप्लेन को विकसित किया है। इसमें 33 HP शक्ति और 53 इंच के लकड़ी का प्रोपेलर लगाया गया है। स्पीड पेट्रोल के साथ ये विमान पानी पर तेजी से आगे बढ़ता है और उसी गति के साथ टेक ऑफ भी कर लेता है। मैंने मणिपाल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। हमने केवल थ्योरी पार्ट सीखा था, लेकिन सर ने हमें व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया। प्रैक्टिकल सर इंस्ट्रक्ट बंद। इस सिप्लेन को विकसित करने के लिए पुष्पराज ने लगभग 7 लाख रुपए खर्च किए हैं। वैमानिकी के छात्रों के साथ उन्होंने इस सिप्लेन को अपने फार्म में विकसित किया है। उनके दोस्तों ने भी विमान विकसित करने के लिए पैसे दिए हैं। पुष्पराज ने नादिकुद्रु के पास एक कार्यशाला का निर्माण करने के लिए राज्य और केंद्र से वित्तीय सहायता ली और वैमानिकी छात्रों को इस तरह की परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।